सावन के पवित्र माह की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर लाखों शिव भक्त रोजाना भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर जा रहे हैं। ऐसे में शिव का एक अनोखा भक्त हिमांशु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्महट योग अपनाकर भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए देवघर जा रहे हैं। हिमांशु साल 2013 से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते आए हैं। इस साल भी हिमांशु अपने दोस्तों के साथ हठ योग अपनाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर के लिए निकल पड़े हैं। हिमांशु खगड़िया के रहने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती पासी लेन नगर निगम वार्ड नंबर 13 में वार्ड पार्षद रंजीत मंडल के द्वारा वार्ड के ही मोतीलाल साह के घर को कब्जे में रखने का मामला सामने आ रहा है। घर को खाली कराने को लेकर मोतीलाल साह ने प्रशासन से लेकर वार्ड पार्षद से कई बार विनती आरजू की, लेकिन घर खाली नहीं हो सका। अंत में मोतीलाल साह के सभी परिवार घर के समीप नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे मोतीलाल साह एवं उनके परिजनों ने कहा कि भागलपुर नगर निगम के लब्बू पासी लेन पर्वती के वार्ड पार्षद रंजीत कुमार को मकान 3 वर्ष के लिए किराया पर दिया गया था। समय पूरा होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन मकान खाली नहीं कर रहे। वहीं खाली कराने को बोलने पर जान मारने की धमकी एवं 6 लाख रुपए की मांग करते हैं, अन्यथा जान मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं वार्ड पार्षद के रवैये को देख मोतीलाल साह के सभी परिजन डरे सहमे हुए हैं, जबकि वार्ड पार्षद रंजीत कुमार महिला के साथ मारपीट एवं शराब मामले में जेल जा चुका है। हम लोग इनको 5 साल के लिए रंजीत मंडल वार्ड काउंसिलर 13 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसलर है रंजीत कुमार मंडल, इनको 5 साल के लिए दिया गया था और 5 साल उसका एग्रीमेंट फाइल 2019 में हुई हो चुका है और उसके बाद से खाली करने के लिए बोला गया तो लॉकडाउन आ गया, उसके बाद रहने दीजिए, उसके बाद कर देंगे। इसी तरह करते करते मतलब 4-5 साल पार हो गया और खाली करने रहा है न, रूम भाड़ा दिया जा रहा है और ऊपर से 6.5 लाख का रंगदारी भी मांग रहा है। कई केस में वो मतलब 8-10 बार जेल जा चुका है वो। अभी क्या परेशानी? हाँ तो नहीं खाली करने के अवैध में हर जगह आवेदन वगैरह दिए कि हमको बाबूजी, हाँ हर जगह से जांच वगैरह भी हो चुका है तो नहीं। 5 तारीख को ये बाबू इधर से गुजर रहे थे, उसको धमकी दिया 6.5 लाख रुपया जल्दी दो तब खाली कर देंगे। क्यों बैठे हैं यहाँ? क्या मामला? भूख खाली कराने के लिए सगरे आवेदन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। 5 साल से न भाड़ा मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। किसका जमीन है? जो मेरा जमीन दादा के नाम से है, मोतीलाल साह बाबू है मेरा। क्या करते हैं आप? अब बोलता है 6.5 लाख रुपया दो तब खाली करेंगे, जहाँ जो बाप वहाँ जाना है जाओ। कितना दिन का एग्रीमेंट? 5 साल का एग्रीमेंट बनाया था, धोखाधड़ी में एक और 3 साल का बना लिया। अच्छा, पूरा हो गया? सबसे दस्तखत करा के पूरा समय खत्म हो गया। 4-5 साल से भाड़ा भी नहीं दिया, बोलता है 6.5 लाख रुपया दो हमको। मकान खाली नहीं हो रहा, इसीलिए भोकर दम पे बैठे। जमीन कब्जा किया हुआ? रंजीत मंडल वार्ड पार्षद 13 पर्वती का है, वार्ड नंबर 13 का। भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं? तीसरा दिन हो गया है। तो क्या कर रहा है पार्षद आपके? धमकी दे रहा है, रंगदारी मांग रहा है 6.5 लाख रुपया रंगदारी, और धमकी दे रहा है पूरे परिवार को जान से मार देंगे अगर पैसा नहीं दोगे तो, और तरह तरह का गाली गलौज यहाँ पे आके उसका माँ भाई सब, और यहाँ पोस्टर लगाया उसके लिए भी धमकी दिया, गाली गलौज किया। जमीन हम लोग मतलब मेरे ससुर जी का है, मोतीलाल साह, हम ही लोग के हुआ मतलब। और बोल रहा है कि आपका घर का लाइन मेरा कटवा दिया है, उस पर धमकी दे रहा है भविष्य में लाइन नहीं ले पाओगे, लोगे तब देख लेंगे 5 लाख ऐसे वैसे धमकी दे रहा है। उसका रंजीत मंडल कहीं भाड़ा पे रह रहा है, वहाँ भी 2 साल से किराया नहीं दे रहा है। हाँ बिजली बिल जमा की थी?
हाँ पता नहीं, वो सब हमको नहीं पता। वो कोई काटने वाला होता है आपका? तो वो धमकी तो दे रहे हैं ना, वही कटवा दिया आपका। धमकी दे रहे हैं कि ले के दिखा तब बताएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? खाना वाना गए आप लोग? हाँ हम लोग सब जगह से थक गए, तब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भागलपुर में एबीवीपी के छात्र नेताओं और पुलिस के बीच भी झड़प मामले को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इस दौरान पुलिस ने आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। दरअसल मदन अहिल्या महाविद्यालय नवगछिया में वर्ष 2004-2008 में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया गया था, जो अब तक चालू नहीं हुआ। इसके अलावा 7 सूत्री अन्य मांग को लेकर छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठी थी। अनशन पर बैठी छात्रा पर कॉलेज स्टाफ ने हाथ उठा दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। पिछले 3 दिनों से मदन अहिल्या महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्र नेता गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में कुलपति से पिटाई करने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग लेकर पहुंचे थे। इसी बीच छात्र परिषद के कार्यकर्ता उग्र हो गए, पुलिस और छात्र कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी विश्वविद्यालय कुलपति पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से अस्थायी कुलपति मिलने के बाद भी विश्वविद्यालय में विकास की रूपरेखा प्रभावित है, जिससे शिक्षकों के साथ छात्रों को भी परेशानी हो रही है। जो कि मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय से नवगछिया से चलकर छात्रा अपनी समस्या को अवगत कराने आई थी, तब उन्होंने अपने जो यहाँ के विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हैं, सिटी डीएसपी हैं, उनके माध्यम से फोर्स बुलवाकर हम लोगों का ज्ञापन को फाड़ कर हम लोगों के ऊपर धक्का मुक्की कराकर छात्राओं के ऊपर बेरहमी तरीके से उनको बाल से घसीटते हुए बाहर लाकर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हमारे कई निहत्ते कार्यकर्ताओं के ऊपर बेरहमी तरीके से, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हाथ टूट गई, हमारे इस उंगली में 8 टाके पड़े हैं। हमारे कई कार्यकर्ता उस दिन लगातार 3-3, 4-4 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर से जोखिम है, छाती के ऊपर उनका प्रहार किया गया। कई ऐसे कार्यकर्ताओं के हाथ और पीछे पीठ के पीछे जो अभी भी दाग लगातार एकदम बर्बरतापूर्ण तरीके से जिस प्रकार से लाठीचार्ज कुलपति महोदय के निर्देश पर सिटी डीएसपी के आदेश पर कुलपति महोदय के निर्देश पर जिस प्रकार से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जायज मांग के साथ हमारे मांग को दरकिनार कर हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ता लाठी चार्ज से तो ना पहले कभी डरा था ना आगे कभी डरेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2 वर्ष हो गया कुलपति महोदय आपको इस विश्वविद्यालय में आए हुए, लेकिन आप छात्र हितों की एक बात बता दीजिए कि जो आपने पूरा किया। इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनशन के माध्यम से उनको कहा था कि पीजी हॉस्टल यूजी हॉस्टल में जिस तरह से समस्या है, वहां जाकर अगर देखेंगे तो वहां जानवरों से भी खराब बेहतर स्थिति है वहां रहने की, किस प्रकार से वहां छात्र रहते हैं, किस दिन वहां सर पर ऊपर से टुकड़ा गिर जाए पता नहीं। अगर आप वहां रोड की स्थिति देखेंगे, अभी बारिश के दिनों में घुटनों भर पानी रहती है, छात्रों को वहां से खाली करा दिया जाता है। कुलपति महोदय, सिर्फ डंडा चलाने से नहीं होगा, कलम चलाइए और फाइल को बढ़ाइए और काम करवाइए। अगर आप देखेंगे कई कॉलेजों में, कई पीजी विभागों में छात्र क्लास करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, उनके ऊपर एक चट्टान गिरता है और छात्र और शिक्षक जो है अपने जिंदगी को झकझोरने में लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी बचेगी या मौत की स्थिति होगी। आज जिस प्रकार से कुलपति महोदय 2 वर्षों में रजिस्ट्रार और कुलपति की लड़ाई इस विश्वविद्यालय को अखाड़ा बना दिया गया है, यहाँ जहाँ छात्र हितों की बात नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला राज्य है। लेकिन छात्रों से जाकर पूछिए कि उनको समस्या का समाधान मिलता है क्या? क्या आज डिग्री के लिए सैकड़ों छात्र अपने विश्वविद्यालय में खड़े हैं? उनकी आज माननीय कुलपति महोदय केवल छात्र हित के और शिक्षक हित के सभी समस्या को वो अपने लाठी के बल पे दबाना चाहते हैं। आज वो स्थायी कुलपति के रूप में 2 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पे अगर उनसे पूछा जाए उन्होंने क्या किया है। आज किसी भी विभाग में, आप पीजी विभाग में जाकर के देखें,
वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आईएएस आईपीएस की बड़े बड़े तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च हो रहा है, उसके बावजूद इन सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे छात्र हमारे छात्रा तरस रही है। आज अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम की मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने भागलपुर की बरारी स्थित घाट का निरीक्षण किया। सावन माह में नगर निगम की ओर से शहर के बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट और एसएम कॉलेज घाट रोड की नियमित सफाई कराई जा रही है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर निगम की ओर से नदी में बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग भी की गई है। गंगा स्नान करने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। रात में रोशनी के लिए नगर निगम ने गंगा किनारे पर्याप्त इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त सहित निगम कर्मी भागलपुर के बरारी पुल घाट पहुंचे और तमाम कार्यों का जायजा लिया। हाँ, श्रावणी मेला को लेकर के हमने आज पुल घाट का निरीक्षण किया। पुल घाट में लाइट की व्यवस्था अच्छी है, बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन वो बहुत मजबूत नहीं है, तो निर्देश दिए हैं उसको मजबूत किया जाए बैरिकेड को। और चेंजिंग रूम बनाने के लिए हमने बोला है कि जगह जगह पे चेंजिंग रूम बनाया जाए ताकि हमारे कांवड़िया को सुविधा हो, और अस्थायी रूप से शौचालय का निर्माण कराया जाए, इसके लिए भी निर्देशित किया है। बाद वहाँ की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है, वहाँ से हमारे कांवड़िया जल भर करके जो रूट तय किया गया है उस रूट से होकर के आराम से जाएंगे। और जो लोग एसएम कॉलेज घाट में जल भरेंगे उसके लिए जो हमने रूट अभी देखा है वो बहुत अच्छी नहीं है। भोलानाथ पुल का निर्माण हो रहा है, उसके तहत वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है, उधर से हमारे कमरे को बहुत तकलीफ़ होगी, तो इसलिए हमने रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है। ऐसा है जो कचहरी चौक है वहाँ पर, वहाँ से हम डाइवर्ट करके वो घंटाघर चौक होते हुए फिर पटल बाबू रोड पे आएंगे कांवड़िया, पटल बाबू रोड से फिर उल्टा पुल होते हुए गोरहट्टा चौक, गोरहट्टा चौक से फिर शीतला स्थान से बवरगंज होते हुए और वो चले आएंगे अलीगंज चौक, फिर वहाँ से वो निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा डाइवर्सन हुआ है जो पुरानी वाली व्यवस्था थी उसमें, और हमारे कांवड़िया को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो उसके मद्देनज़र हमने ये थोड़ा बदलाव किया है और ऐसा निर्देश दिया है।
बाद बाकी हम जो भी हमारे कंवारी आते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था मिले और भी रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं, उसका भी ध्यान रखते हुए सब बातों को देखते हुए हमने निर्देशित किया है। भागलपुर जिले में इन दिनों थाने की मनमर्जी की खबर लगातार सामने आ रही है। पीड़ितों का थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित लगातार वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। ताजा मामला जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र की है, जहां जयखूट निवासी मोहम्मद ताहिर के साथ दबंगों ने बुरी तरह से मारपीट किया। पीड़ित मोहम्मद ताहिर के परिवार के 5 लोगों के साथ 5-6 दबंगों ने मारपीट किया। पीड़ित का कहना है कि दबंग मेरे घर द्वार को हड़पना चाहता है। इस मामले को लेकर गोराडीह थानेदार ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। इस उदासीन रवैया से निराश पीड़ित आज भागलपुर के पूर्वी प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुँचे। सर वो हमें भगाना चाहता है, वो घर से बक्का था, तुम घर खाली कर दो, यहाँ चले जाओ, हम रहेंगे आराम से, तुम यहाँ चले जाओ। और बदमाश ला के सद्दाम ने अपने साले को लाया और चारों बदमाश को लाया, 8 आदमी आए हुए मारने के लिए, घर में घुस के बेरहमी से मारा, बेवसी की हालत में कर दिया, हमारी बीवी को, बच्चों को, लड़की को, सबको बेवसी की हालत में कर दिया। हम बेवसी की हालत में मायागंज गए थे, 112 पर कॉल किया, एम्बुलेंस आई थी 102 नंबर, सबको ले गया मायागंज। थाना गए थे केस करने के लिए? पहले थाने नहीं गए थे, मायागंज से आने के बाद थाने गए थे। थाना में केस लिया? थाने में केस दे दिया था, एप्लीकेशन लिख के दे दिए थे, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ आए? आज आए DIG साहब के पास आए आवेदन देने के लिए। क्या आवेदन देने के लिए आए? उससे मिलने आए, सारे अपने वाक्य बताने के लिए आए जो मेरे साथ घटना हुई। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? गोराडीह का है। कौन गाँव है? गाँव है जयकूट है। जयकूट। हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट किया है? 5 लोगों के साथ मारपीट किया है, 6 लोगों के साथ। 6 लोगों। एक अन्य मामला नौगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सूदन टोला निवासी पेशे से एक शिक्षक अभिलाष कुमार मंडल अपने सहयोगी शिक्षक के साथ विद्यालय जा रहे थे। तभी उसी गांव के दबंग सुदामा मंडल और संजय मंडल ने इनके साथ बुरी तरह से रस्सा व लाठी से मारपीट की। यहां तक कि इस शिक्षक के घर से जबरन ट्रैक्टर की चाबी लेकर ट्रेलर सहित ट्रैक्टर अपने घर ला लिया। इस मामले को लेकर इस्माइलपुर थानाध्यक्ष ने पीड़ित शिक्षक का आवेदन नहीं लिया। शिक्षक कहते हैं कि थानाध्यक्ष आवेदन बदल की बात कर रहा था। थानेदार के उदासीन रवैये से निराश पुलिस शिक्षक आज भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। घर से निकले स्कूल जाने के लिए, मेरे साथी के साथ, सहयोगी के साथ गाड़ी पे बैठ के गए, उसके घर के नजदीक गए, वो मेरे गाड़ी पर मतलब गाड़ी रोक के और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मारपीट, रस्सा और गड़ासा और क्या कहते हैं लाठी लेके हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब मारने के लिए आया तो बहुत 100 लोगों मतलब वहाँ जाम लग गया रोड पे। फिर उसको मेरे सहयोगी टीचर को बढ़ने भी नहीं दिया, उसको भी छेक के रखा, उतना में मारा। उसके बाद बोले तुमको मार के काट के अब तुम्हारा दरवाजे पे जाके भी मार के गाड़ी लेके चले आए। बस वहाँ दरवाजे मेरे दरवाजे पे घिस लेके चले गया, मेरा ट्रैक्टर भी चाबी छीन के लेके चला आया, ट्रैक्टर ट्रेलर दोनों जोड़ा हुआ था, दरवाजे पर से लेके चला आया। फिर मैं इस्माइलपुर थाना में FIR किए, इस्माइलपुर थाना कुछ नहीं किया, वहाँ गए एप्लीकेशन सिर्फ बड़ा बाबू को हम दिए, बड़ा बाबू से सारा बात किए कि सर मेरा एप्लीकेशन स्वीकृत कीजिए। फिर जो है कि वहाँ गए तो फिर दोबारा बुलाया, बोला कि आप डेट चेंज कर दीजिए, आपका जो कहिएगा वो हम कर लेंगे। हम बोले सर हमने थाना वाला बोला कि आवेदन आवेदन चेंज कीजिए। अच्छा। तो हम बोले कि नहीं सर, हम आवेदन चेंज इसलिए नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ हकीकत जो घटना है वो रहेगा, हम नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद हमने SP साहब के पास गए, वहाँ पे दिए, फिर SP साहब से मिले, मिले भी वहाँ मिले तो बोला कि देखिए तो इसका मामला क्या है और तुरंत जांच करके FIR करने के लिए। तो अभी तक मेरा न गाड़ी आया न कुछ आया। फिर हम DIG सर के पास आए, एप्लीकेशन दिए, फिर मिलने के लिए आज आए हुए। अच्छा, घटना किस कारण से मारपीट हुआ था? घटना बहुत पूर्व पहले लेन देन हुआ था पैसे का, पैसे का। हमने उसको दे चुके हैं वापस पैसा, इसी क्रम में उनका कहना है कि तुम गाड़ी हमको दे दो, अब हम ट्रैक्टर तुम मेरे नाम लिखो, दोनों भाई मिलके सुदाम मंडल और संजय मंडल कहता था कि तुम गाड़ी लिखो नहीं तो तुम्हारा मार देंगे, बंधक बना के रखेंगे। तो इसी क्रम में गाँव रमीन आया, मारपीट को छुड़ाया, बहुत सारे लोग वहाँ जुटे हुए थे, इकट्ठा हुए।
भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी चौक के समीप दुर्गा स्थान के पास एक बाइक में अचानक आग लग गई। वहीं इस दौरान बाइक चालक सहम गए। हालांकि इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया और बाइक चालक भी सुरक्षित बच निकले। बाइक में आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। जदयू नेता दिलीप कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने बाइक की आग को बुझाया। इस दौरान गुड्डू सिंह ने बताया कि चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। हीरो होंडा स्प्लेंडर वही गाड़ी था, हीरो होंडा इधर से जा रहा था, चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। अच्छा, पूरा गाड़ी जल के सुहा। अब आग बुझ गया जी। आग किसका बाइक था? बाइक तो ही मसूदनपुर थाना का चौकीदार है, उसी का गाड़ी है। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? गाड़ी में चलते चलते आग लग गया है तो शॉर्ट सर्किट ही होगा।